नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल हेल्थ ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हस्त मैथुन के बारे में। हस्त मैथुन हमारे युवा पीढ़ी को किस तरह बर्बाद कर रही है और हस्त मैथुन से क्या क्या नुकसान है और इससे कैसे बचा जाए, इसी विषय पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी होती है। अगर किसी देश के लोग शिक्षित, स्वस्थ और बुरे आदतों से दूर होंगे तो उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर किसी देश के लोग अशिक्षित, अस्वस्थ और तरह तरह के गलत और बुरे कारणों से घिरे रहेंगे तो उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में युवा सर्वाधिक है, यानी वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के युवा तरह तरह की गलत आदतों से घिरे हैं। किसी को शराब का शौक है तो किसी को जुए का। इसी प्रकार हमारे देश के युवाओं के लिए नासूर बन चुकी है एक लत, हस्त मैथुन। सेक्स का ज्ञान न होने के कारण और कम उम्र की वजह से ये लत बड़ी तेजी से हमारे युवाओं के अंदर बढ़ती जा रही है। आज की तस्वीर ये है कि हमारे देश का 80% युवा इस भयानक बीमारी से ग्रसित है, और जब तक उन्हें पता चलता है कि ये उनके लिए कितनी हानिकारक है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इस लत से परेशान लोग जब इंटरनेट पर इससे संबंधित जानकारी सर्च करते हैं तो उन्हें ज्यादातर वेबसाइट पर गलत जानकारी दे दी जाती है और केवल हस्त मैथुन के बकवास फायदे ही बताए जाते हैं, और हस्त मैथुन के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है और हस्त मैथुन के झूठे फायदे बताकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और ज्यादातर लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं और लगातार हस्त मैथुन करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे चलकर काफी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। युवाओं में हस्त मैथुन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है पोर्न और अन्य बल्गर वीडियोज या फिल्म जिसमें खुलेआम अंग प्रदर्शन किया जाता है। हमारे देश में कई बार पोर्न वेबसाइट को बंद किए गए, लेकिन फिर अलग अलग वेबसाइट बनाकर पोर्न को इनके सामने सौंप दिया जाता है। यह विदेशियों की चाल भी हो सकती है, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत में गांधी, भगत सिंह, आजाद, विवेकानंद जैसे आदि आदि महापुरुष हुए। हमारी युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद न बन जाए, इसीलिए षड्यंत्र के अंतर्गत हमारे युवा पीढ़ी को नग्नता परोसा जा रहा है। हमें सतर्क होकर हस्त मैथुन से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य को बचाकर हम बल, बुद्धि और सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। कोई युवक यदि अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहे, कोई महत्वपूर्ण सृजन अनुसंधान का काम करना चाहे तो उसे संयम का पथ अपनाना होगा। हस्त मैथुन करने से केवल और केवल हानि ही है। हस्त मैथुन करने से दुर्बलता आती है, नपुंसकता आती है, स्वप्न दोष उत्पन्न होता है, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है, पेनिस टेढ़ा तक होने का खतरा बना रहता है, संभोग का समय कम से कम होता जाता है और पेनिस में सूजन आ जाता है, चेहरे की कांति गायब हो जाती है। इसके अलावा अन्य और भी बहुत से बीमारियों को न्योता चला जाता है। हस्त मैथुन करना कैसे छोड़े, इसके लिए किसी भी प्रकार की दवा उपलब्ध नहीं है, नहीं आयुर्वेद में, नहीं एलोपैथ में और ना ही होम्योपैथ में। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरी है कि दिन में बिल्कुल न सोएं, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। किसी भी प्रकार की कोई वल्गर वीडियो न देखें और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। रोज सुबह प्राणायाम करें, योग के माध्यम से मन शांत होता है, और गर्म चीजों का सेवन जैसे प्याज, लहसुन, गर्म मसाला या मांस आदि से दूर रहें। अपने वीर शक्ति को बचाकर रखें और अपने सामर्थ्य शक्ति से अपने कुल, समाज और देश का नाम ऊंचा करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।